दोस्तों आज के इस वीडियो में एक बार फिर मैं लेके आ रहा हूँ यूनिवर्सल चार्जर को कैसे यूज करते हैं। दोस्तों पिछला जो यूनिवर्सल चार्जर के ऊपर हमने वीडियो बनाया उस पर कई सारे सवाल आए हैं, अभी भी उस पर काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इस पर एक और वीडियो बना दिया जाए ताकि आपके सारे सवालों का जवाब मैं दे सकूँ। तो ये है इसका AC इनपुट, इसमें हम लोग करंट देते हैं यानी प्लग इन करते हैं, यहाँ से 220 वोल्ट यहाँ से हम इन करते हैं और यहाँ से हमें आउटपुट मिलता है 4.7 वोल्ट अप्रॉक्स। ये देखो हमने प्लस माइनस का निशान लगा के रखा है इस पर। और दोस्तों इस पर आप USB केबल कैसे लगा सकते हो, इस पर भी हमने वीडियो बनाया, तो इसी यूनिवर्सल चार्जर के ऊपर हमने बनाया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखो वो वीडियो, क्योंकि कई सारे लोगों के पास यूनिवर्सल चार्जर फालतू पड़ा हुआ है, तो आप उसमें डेटा केबल का ये सॉकेट लगा के आप उसको जनरल चार्जर की तरह यूज कर सकते हो। यहाँ से आप इन करोगे, यहाँ से आपको आउटपुट मिल जाएगा। और अगर दोस्तों अभी तक नहीं देखा है वो वीडियो तो ज़रूर देखो वो वीडियो, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है वो। तो दोस्तों अगर आपके पास भी यूनिवर्सल चार्जर है और आपको लगता है कि भाई मैं कैसे इसका उपयोग करूँ, तो सबसे पहले तो इसमें हम करंट दे के देखते हैं। ये जैसे ही आप करंट देते हो इसमें कई सारे LED जलने लगेगा, इसको अच्छे से लगा लेते हैं। ये मैक्सिमम केस में होता है क्या कि जो भी यूनिवर्सल चार्जर उसमें बहुत सारे LED से इसको डेकोरेट किया जाता है ताकि ये देखने में अच्छा लगे। तो सबसे पहले तो करंट चेक करते हैं। तो दोस्तों डिजिटल मीटर पे भी हमने वीडियो बनाया, नहीं देखा है तो देख लो आप डिजिटल मीटर का उपयोग कैसे कर सकते हो। तो 20 वोल्ट पे हमने सेट किया है और इसके प्लस पे प्लस और माइनस पे माइनस रखेंगे। ये देखो 4.36 वोल्ट मैक्सिमम ये काउंटिंग एक बार दिया। ये वेरिएबल हो रहा है क्योंकि इसमें जब हम बैटरी लगाते हैं तो ये कांस्टेंट वोल्टेज निकालना शुरू करता है। इस तरह का सर्किट डिजाइन किया गया है क्योंकि जब बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो ये ऑटो ऑफ भी हो जाता है ताकि आपके बैटरी को कुछ खराबी ना हो। तो ये 4.36 वोल्ट मैक्सिमम इसमें शो किया एक बार। ये देखो ये फ्लक्चुएट कर रहा है, वेरिएबल वोल्टेज निकाल रहा है। तो ये वेरिएबल वोल्टेज दे रहा है, इसको हटाते हैं और इस पर चेक करते हैं कि आप बैटरी कैसे आप इसमें उपयोग कर सकते हो। तो इसके लिए खासतौर से जो हमें सवाल आया कि 4 पिन वाला जो बैटरी है उसका उपयोग कैसे करें। दोस्तों आपको बता दें कि 4 पिन वाला जो बैटरी है, जैसे आप ये देख रहे हो इसमें 4 पिन है, तो इसके बाहरी 2 सिरा जो है वही प्लस माइनस है। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्लस माइनस इसमें अंकित भी रहता है, आपको कुछ भी इसके लिए दिमाग नहीं लगाना है, आपको प्लस माइनस लिखा हुआ मिल जाएगा। ये देख लो यहाँ पे प्लस और माइनस लिखा हुआ है। तो और आप 3 पोल वाला जो बैटरी उसमें भी प्लस माइनस आपको लिखा हुआ रहेगा। ये देखो यहाँ पे प्लस माइनस लिखा हुआ है आपको, यानी थोड़ा सा भी इस पर कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाना है कि भाई प्लस कौन सा है माइनस कौन सा, क्योंकि अगर उल्टा आप इसमें लंबे समय तक करंट दे दोगे तो ये बैटरी परमानेंटली ख़राब हो जाएगी। तो सबसे पहले इसका वोल्टेज चेक कर देते हैं। काफ़ी दिन से पड़ा हुआ था ये बैटरी, बट ये बैटरी अभी भी काफ़ी अच्छे कंडीशन में है। 3.87 वोल्ट यानी अप्रॉक्स बहुत अच्छा शो कर रहा है, यानी ये फुल चार्ज शो कर रहा है। और ये 4 पोल का बैटरी जो है, ये देखो इसके बाहरी सिरा पे ही हम प्रॉब लगा रहे हैं डिजिटल मल्टीमीटर का, और ये भी 3.87 वोल्ट यानी फुल चार्ज शो कर रहा है, जबकि काफ़ी दिन से पड़ा हुआ था ये बैटरी। बट ये लोड देने के बाद ये अचानक से बैटरी ड्रॉप करेगा इसका करंट। अब सबसे पहले करना क्या है, इसका उपयोग कैसे करना है, इसके लिए आपको बता दें कि आप 3 पोल वाला जो बैटरी है उसको आप यूनिवर्सल चार्जर के कनेक्टर पिन के ऊपर आपको सेट करना है। जब आप अच्छे से फिट कर दोगे तो यहाँ पे जो एक LED है रेड कलर की वो जलेगा, आप देख लेना। अभी मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। यही निशानी है कि आपका बैटरी ठीक कंडीशन में है और पिन के साथ अच्छे से कनेक्ट हो गया है, कनेक्टर पिन के साथ यानी आउटपुट कनेक्टर पिन के साथ। ये देखो ये LED एक रेड कलर की LED जो जल रही है, अभी इसमें हमने करंट दिया भी नहीं है और ये जल रही है। यही निशानी है कि हमने इसका कनेक्शन जो है वो सही किया है, ये इसका प्रमाण है। और जैसे ही इसमें करंट देंगे ये इस तरह से ब्लिंक करेगा सारे LED इसके। ये देखो ये तो हो गई 3 पिन वाली बैटरी, अगर आपके पास है तो आप इस तरह से सेट कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इसमें जैसे तैसे पिन सेट कर देते हैं और बैटरी चार्ज नहीं होता, उल्टा बैटरी ख़राब हो जाता, तो आपको ध्यान देना है कि LED जलना चाहिए बिना करंट दिए। और ख़ासतौर से जो मोबाइल की बैटरी होती है वो मैक्सिमम आप कितना भी दिन रख दो वो कुछ ना कुछ चार्ज रखती ही है, उससे आपका LED जल जाएगा। और अगर LED भी नहीं जल रहा है, बैटरी डेड हो गया, तो आपको बैटरी को बूस्ट करना पड़ेगा। बैटरी बूस्ट आप कैसे करोगे उसके लिए हमने वीडियो डाला है दोस्तों इसी चैनल पर, तो आप देख लो।
और ये देखो ये फोर पिन वाला जो है हमने बाहरी दोनों सीधा को जोड़ा और ये फिर जलना शुरू हो गया इसकी एलईडी। अब इसमें जैसे ही करंट देंगे ये आउटपुट देने लगेगा बैटरी को और बैटरी चार्ज होने लगेगा। दोस्तों अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो और दोस्तों भी हमारे इस वीडियो को शेयर करो ताकि उससे भी अगर इस टाइप के वीडियो की ज़रूरत हो तो उसे ये वीडियो मिल सके। और दोस्तों अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जा सके, क्योंकि इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो मैं इस चैनल पर अक्सर बनाता हूँ। तो ये देखो हमें लगता है कि ये आपके सारे सवाल का जवाब मिल गया होगा इस वीडियो में। और ये प्लस और माइनस अंकित है, इसके बाहरी सिरा अगर चार पिन है तो समझ लो दो पिन जो है बीच का वो फॉल्स है, उसका कोई भी उपयोग नहीं है। और जैसे ही आप कनेक्ट करोगे ये रेड कलर की बत्ती जलने लगेगी, ये देखो जल रहा है। ये आपको अच्छे से सेट करना है क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा भी हिलेगा, क्योंकि बैटरी भारी रहती है तो जैसे ही हिलेगा तो फिर से ये डिसकनेक्ट हो जाएगा। और वैसा स्थिति में यदि आप इसका कनेक्शन इसको आप करंट के साथ जोड़ देते हो तो इसका जो डेकोरेट किया हुआ एलईडी है वो तो जलेगा बट ये बैटरी चार्ज नहीं होगी। तो आपको ध्यान देना है कि बैटरी आपका अच्छे से कनेक्ट हो, उल्टा पुल्टा नहीं लगे। ये देखो जैसे ही हमने प्लस माइनस को अच्छे से फिट किया ये एलईडी जलने लगा। अगर हम उल्टा लगाएंगे तो ये रेड कलर की जो एलईडी है जो परमानेंट जल रहा है वो बिल्कुल नहीं जलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो यदि पसंद आया तो आप हमारे चैनल को जरूर करो सब्सक्राइब। तो